हेलो गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर क्लर्क में। तो गाइस, आज हमारे पास है ये मिक्सर मशीन, जो कि ये मिक्सर मशीन में आप लोग तो जानते ही होंगे, ये मशीन में हम लोग ईटा पत्थर गिट्टी सीमेंट ये सब मिला करके इसमें मसाला तैयार हो जाता है। लेकिन आज ये मिक्सर मशीन में हम लोग ईटा पत्थर गिट्टी नहीं मिलाने वाले हैं, इसको हम एक वॉशिंग मशीन के तौर पर यूज करने वाले हैं, जो कि आप लोग तो वॉशिंग मशीन घर में चलाते होंगे, लेकिन ऐसा वॉशिंग मशीन आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, कोई इसमें कपड़ा भी खींच सकता है। लेकिन आज वही ट्राई करने वाले हैं हम लोग, ये तो मसाले को तो आराम से मिला सकता है, लेकिन आज वही देखने वाले हैं इसमें अगर कपड़ा डाल दे, साबुन सर्फ डाल दे तो ये खींच पाती है या फिर नहीं खींच पाती है। तो चलिए फिर आज उसी को ट्राई करने वाले हैं। वीडियो में तो बहुत मजा आएगा भाई, आप लोग देखने में भी मजा आएगा और हम लोग को करने भी मजा आएगा। चलिए फिर इसको देखते हैं क्या खींच पाती है या फिर नहीं खींच पाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो कपड़ा पहले खींचने से पहले इसको गंदा करना पड़ता है ना, गंदा करने के लिए पहले से तो ये गंदा है, लेकिन और भी इसको गंदा कर देते हैं, कीचड़ से इसको पूरी तरीके से गंदा कर देते हैं, तभी तो देखेंगे उसका पावर क्या है, वो खींच पाता है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल गंदा कर दिए, दिखा दो इसको, देखिए गंदा तो बिल्कुल जगह किया। अब इसको ये दोनों का बाड़ी है गंदा करने, गंदा तक इसको यहीं पे खींच सकते हैं थोड़ा कीचड़ में। चलिए गंदा तो चुकी है, अब इसका देखते हैं इसको खींच पाती है वो फिर मशीन नहीं खींच पाती है। चलिए फिर तो गाइस, इसमें आप पानी डालते हैं उसके बाद खींचते हैं, इसमें पहले पानी डाल देते हैं एक बाल्टी, इसको अंदर का सीन दिखा दो भाई। थोड़ा और पानी डाल देते हैं भाई, पानी डाल दिया सरफ कहाँ, ये घड़ी सरफ डाल देते हैं इसमें, देखते हैं आज घड़ी सरफ का असली पावर मत मालूम चलेगा, इसका पूरा डाल देते हैं इसमें। अभी हम नहीं कुछ करेंगे, जो ये करेगा वो मिलाएगा, ये जिसका जो काम करेगा। चले फिर इसको मिलने देते हैं, उसके बाद कपड़ा डालेंगे। चलो फिर मशीन स्टार्ट करो यार, इसको थोड़ा और ऊपर कर दे मशीन।
निकाल के देखते हैं फटा या फिर नहीं हुआ इसको पहले साफ हुआ देखते हैं। इसमें पानी तो एकदम पूरा जैसे कपड़ा उसमें कीचड़ में घिसा है तो उसको इसी तरह से पानी हो गया है। कपड़ा भी नहीं साफ हुआ है भाई, हल्का हुआ है अभी थोड़ा थोड़ा मतलब रह रहा है, इसको देखते हैं क्या हुआ। ये सब का भाई फंस गया, इसमें जो ये सब रहता है ना भाई लोहे का, इसी में फंस गया। ओ भाई ये साफ हुआ नहीं, ये भी साफ नहीं हुआ। इसको और थोड़ा सा चला के देखते हैं साफ होगा या फिर नहीं होगा। इसको चलाते हैं एक बार, चलो तो भाई इसको और थोड़ा सा चलाते हैं देखते हैं यार साफ होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद तो पता चल जाएगा थोड़ी देर चलाने के बाद क्या होगा। देखते हैं गाइस यार इसका क्या रिजल्ट आता है, साफ हुआ है या फिर नहीं होता है। तीनों कपड़ा को पहले बाहर निकाल लेते हैं भाई। निकालो यार, झाग तो एकदम जितना तक दिख रहा है ना लग रहा है साफ ही हो गया है। इसको पहले इसमें रख लेते हैं, पानी एकदम कीचड़ के जैसा हो गया। अभी इसको धो के दिखाते हैं भाई साफ हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पहले शर्ट का देखते हैं क्या हुआ है। दिखाओ ये शर्ट का क्या हुआ है। जो कीचड़ लगाए थे ना वो लगा, मोटा मोटा जो कीचड़ लगाए थे वो साफ हो गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। इसका जो दाग है हल्का हल्का वो अभी तक नहीं गया है भाई। इसमें कल लगभग 10 मिनट चला होगा लेकिन अभी तक दाग नहीं गया है। ये तो वर्किंग नहीं है। अभी इसका दूसरा कपड़ा को देखते हैं ट्राई मार के। अभी जींस का बारी है, देखते हैं ये साफ हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसको पहले झाग को निकाल देते हैं। झाग तो इतना छोड़ा है ना क्या बताया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाली झाग ही झाग है।
इसको दिखाओ क्या हुआ इसका हाल। नहीं गाइस, सेम उसी का जैसा कंडीशन इसका भी है। ये ऊपर वाला जितना जो मिट्टी था वो तो हट चुका है, वो तो साफ कर चुका है ये मिक्सर, लेकिन जो जो इसमें दाग लगा हुआ है वो अभी तक नहीं गया इसका। इसको साफ कर दिया। इसको साफ कर दिया है भाई। ओ गाइस, नहीं इसमें पूरी तरीके से साफ नहीं किया, हल्का हल्का एकदम, आपको कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, दिखा तो यहाँ पे हल्का हल्का इसमें रह गया। इसको साफ कर दिया भाई। कहीं ना कहीं ये भी मतलब झाग जितना निकालने का क्षमता साफ तो नहीं कर पाया, लेकिन झाग भरपूर निकाला, आप लोग देख सकते हैं। इसको खींचते खींचते मेरा कपड़ा गंदा हो गया ये झाग से। ओ भाई साहब, तो भाई आप लोग देखे ये मिक्सर को हम लोग वॉशिंग मशीन के तरीके से यूज किया, जैसे इसको वॉशिंग मशीन में नहीं देखे हम लोग मिक्सर में दिए, लेकिन ये मिक्सर सही से वर्क नहीं किया। जैसे वॉशिंग मशीन इसको खींच देता है उसी तरीके से इसको नहीं खींच पाया। हम लोग आपको पूरी तरीके से देखा इसका यूज करके, लेकिन ये पूरी तरीके से वर्किंग नहीं किया। वीडियो में आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।